सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सिद्धू करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। अज असी गल करन जा रहे हैं डेसीमल्स एंड फ्रैक्शनस बारे, जो कि PSPCL दे क्लर्क दे एग्जाम का एक बड़ा ही इंपोर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक कंसैप्ट तो असी शुरू करन जा रहे हैं। जिहड़े मेरे दोस्त चैनल पर नवे आए हैं और PSPCL दे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सबसक्राइब कर, क्योंकि हुण दीआं वीडियोज़ सिर्फ तुहाडे लई ही बनाई जाणगीआं। इस दे विच असी गल करते हाँ पहले क्वेश्चन दे विच, जिस दे विच तुसी सिंपल प्लस करना है। देखो प्लस का साइन है, पर इत्थे की है कि पॉइंटां वाले हल करने कई बार बच्चों नूं दिक्कत आउंदी है। इत्थे बेसिक जिहा कंसैप्ट यह हुंदा है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना हुंदा है, जिवें पंज पॉइंट, तो पॉइंट तो पहला आ गया पंज, पिछले अक्षर ते तिन्ने इस तरीके नाल लिख लो, छे पंज तिन, पॉइंट नीचे पॉइंट, एक एक तिन एक, पॉइंट नीचे पॉइंट, जीरो जीरो अठ नौ। हुण इसनू जोड़ना है, छे ते चार दस, ते दस भी हो गए, ये जीरो आ गई, उपर दो आ गया हासिल, पंज ते तीन अठ, ते दो दस, ते दो बारह, ते भी हो गया दो आ गए हासिल, छे चार दस, ते दो बारह तेरह, तीन आ गया पॉइंट, एक हासिल उपर गया, पंज ते पंज दस, ते एक ग्यारह आ गया हासिल उपर गया, दो तिक तीन आ गया, तो 31.3 इसका सही जवाब है, क्योंकि पिछलियाँ जीरों असी इग्नोर कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है 31.3। नैक्सट क्वेश्चन, इस दे विच की है, ये दो रकमों माइनस करना है, फिर क्वेश्चन मार्क कढ़ना है, ये चीज़ इधर माइनस है जो वो इधर आके प्लस हो जाएगी बाद विच। तो बेसिक जिहा कंसैप्ट यह है कि प्लस हुई चीज़ इक्वल टू तो परे जाके माइनस होंदी है, माइनस हुई चीज़ प्लस होंदी है, गुणा हुई चीज़ भाग होंदी है, और भाग हुई चीज़ गुणा होंदी है। इस कंसैप्ट लैके तुसीं फ्रैक्शन डेसीमल वाले ईजीली सॉल्व कर सकते हो। सब तो पहला हुण इत्थे माइनस करांगे, 341.42, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 53 अगे है उसनों, अगे पिछे 74 है, 74 रखो माइनस, तो दो चो चार नहीं निकलते, इनू 12 कर लो, ये तो धारा लिया, ये 3 रह गए, 12 चो चार कढ़े 8 आ गया, 3 उरे 13 बन गया, इत्थे 0 रह गया, 13 चो 7 कढ़े 6 आ गया पॉइंट नीचे पॉइंट, ये 3 बन गया, यह 10 बन गया, 10 चो 3 कढ़े 7 आ गया, 3 चो 5 नहीं निकलते, 13 बन गया, ये कोले 2 रह गए, तो 13 चो 5 कढ़े 8, दो इस तरीके नाल, तां इस दे विच हुण असी प्लस कर देंगे 62.86, क्योंकि उधर माइनस सी, इधर आके ये प्लस हो गया, तो 6 6 12 13 14 हासिल आ गया, 1 7 7 14 1 15 हासिल आ गया, 1 7 3 10 हासिल आ गया, 1 7 7 14 1 15 हासिल आ गया, 1 3, तो 350.54 इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला सही। नैक्सट क्वेश्चन, इत्थे गुणा करना है, 32.4 गुणा 11.5 गुणा 8.5, या तो सिंपल गुणा करके पिछों 3 अखर छड़ के पॉइंट लगा दो, या तुसी इसनों फॉर्मूला ला के हल कर सकते हो। इसनों लिख सकते हैं 115/10, इसनों लिख सकते हैं 85/10, तो इतों जे इनू हल करिए, 32.4 गुणा 100+15, 100-15, क्यों, क्योंकि 100 चो माइनस करिए 15 तो 85 ही रहेगा, 100 चो 15 जोड़े तो 115 ही बनेगा, तो उसनों असी ए माइनस बी, ए प्लस बी दे फॉर्मूले दे विच तब्दील किया है। इधर नोट कर रहे हाँ कि 32.4 पॉइंट का नीचे 10 लगा लो, गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए दी 2 माइनस बी दी 2, 15 × 15 225, बटा नीचे गुणा होके 100 आ गया। हुण इसनों इहदे विच्चों माइनस करांगे, तो 324 गुणा, इसनों माइनस करन ते सानू मिलेगा 9775 बटा 100, गुणा इधर 10 है ही सी, तो 5 × 2 = 10 भी ते गया, इनू 5 दे पहाड़े ते कटाया, 5 × 5 9 × 5 = 45, 2 × 5 = 27 दा, 2 × 5 फिर गया, फिर 5 × 4 = 20 हुंदा है, इसनू 5 दे पहाड़े ते कटा देवांगे, 5 × 3 = 15 हुंदा है,
नौ पाया पंताली हों एक आएगा। तो हूँ असी इस चार कटा सकते हाँ, अठ चौका बत्ती एक इकताली इक्यासी गुणा 391 बटा 10। तो इस हल करके साढ़े को जवाब बन जाएगा, इस जो असी गुणा करांगे तो साढ़े को आंसर आएगा 31 67, एक A0 का पॉइंट लग जाएगा। तो इसका साढ़े को जवाब आ गया 31 67.1। इसका सही जवाब है 31 67.1। सो इस तरह की कैलकुलेशन जरूर लंबिया हो सकती हैं, बट बेसिक कॉन्सैप्ट इसनों क्लीयर करके फिर ही अगे स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट का टॉपिक कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है 345 प्लस 25 गुणा 80/100, क्योंकि पॉइंट हट के पॉइंट तो दो अक्षर ने तो नीचे दो जीरो आ, -611 जीरो नाल जीरो कटा दो, 5 × 2 = 10 हुंदा है, 5 × 5 = 25 हुंदा है, 2 इत्थे कटा दिता 4 आ गया, 5 × 4 = 20 आ गया। तो 345 दे विच 20 जोड़ देवांगे, साढ़े कोले बन गया 365। इहदे विचों 111 कटा देवांगे, 5 × 1 कढ़िया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया 2। तो 254 इसका सही आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन 17 29 2 भाग करना है 33 नाल, वंड है 8। इस तरह के क्वेश्चन विच जदों यह वंड का सिंबल आ जाए तुसी इसनों गुणा के सिंबल विच बदल सकते हो, तो पिछली रकम उलटाउणी है। इत्थे 8/1 तो इसनों 1/8 लिख सकते हो, तो 17 29 2/33 इस तरीके नोट कर लो। हुण इसकी कटिंग करवा दो, तो इसकी कटिंग किस तरीके होगी। सब तो पहला असी इस देख सकते हैं 3 के पहाड़ पर कटा देवे, यह 11 आ गया, 5 = 15, 2 × 22 = 21 हुंदा है, 1 × 19 = 18 हुंदा है, 1 × 12 = 4। इस तो बाद 8 पर कटा देवगा, यह अदर रह गया 4, इसनों कटा दिता तो यह आ गया 2 17 8 = 16, 1 × 16 = 8, फिर आ गया 2, फिर यह 2 पर कट जाएगा और यह साढ़े को आएगा 1 = 4 = 4 = 1। हुण इस 11 के पहाड़े पर कटा सकते हाँ, 11 × 1 = 11 हुंदा है, 3 × 1 = 33 हुंदा है, 1 × 11 = 131 हुंदा है, तो साढ़े को आ गया 131/2। तो इस हुण पॉइंटां दे विच कटांगे, 6 × 12, 1 × 11 = 5 65.5। तो साढ़े को जवाब आ जाएगा 65.5 सही। नैक्सट क्वेश्चन इस 197 का अंडरहुड दिता होया है, गुणा करना है 6.99 प्लस 626.96, इसका मुल किन्ना होगा। ऑप्शनों के कोई भी पॉइंट आना नहीं है, तो कोशिश करो इसनों पॉइंट पहले ही हटाने की। जिमें 196 अंडरहुड हुंदा है 14 का, तो इसनों 196 मान लो, गुणा 6.99 यानी 7 है तकरीबन, प्लस 6.26.96 जानी यह 627 लिख सकते हो तुसी, तो यह 14 का हुंदा है, 14 × 7 कर लो, प्लस 627 जोड़ देंगे, तो 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 98, इस दे विच असी 627 नूं जोड़ देवांगे, तो साढ़े कोल पिछे आएगा 5, हासिल आ गया 1 12 ते 7, तो 725 का करैक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन x/529 = 329/x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स का स्केयर बनेगा, बराबर आएगा 529 × 329, इसका एक्स जो कढ़ना है तो 529 329 दा अंडरहुड, क्योंकि स्केयर है जो इधर आके अंडरहुड आ गया, असी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस दे लई हुण असी की करांगे, असी इस दे अंडरहुड ने जो उन्होंने हल करांगे, तो अंडरहुड हल इस दे ये किसी का कंप्लीट अंडरहुड नहीं हुंदा, तो बैटर तरीका है कि इसनों गुणा कर लो, इसनों गुणा करके साढ़े कोल आएगा
17 40 41। हुण इसका अंडरहुड हल करांगे, पिछों पेयर बनाने शुरू करांगे। चौको चौकी 16 हुंदा है, एक बचिया पेयर उतार लिया 40 का, इधरले 4 का डबल कर लिया 8 आ गया। इस तरीके नाल असी इनू हल करांगे ते साडे कोले अगे आएगा एक, क्योंकि 81 आएगा, फिर इस नू माइनस करांगे 9 बचिया, 13 चों 8 माइनस करांगे तो साडे कोले 5 आ गया। फिर पेयर उपरे उतरेगा 41, तो हुण असी उपरों 41 का डबल करांगे 82। उस दे नाल नैक्सट डिजिट साडा सेम होना चाहिए उपर नीचे जिन्ना भी होगा, तो इस दे पेयर बनणगे 7 ते, तो 7 आएगा, 7 7 49, 7 2 14 हासिल आ गया 1, 7 6 7 8 56 57। इस नू माइनस करन ते साडे कोले अगे आएगा पॉइंट, तो 417 पॉइंट समथिंग आएगा, ये जिहड़ा कि 416 की ऑप्शन के करीब जाता है, तो साडा सही आंसर आएगा 416। नैक्सट 9 का स्थानक मान दसना, 9 कित्थे है पोजिशन ते, 9 बटा किन्ने अक्षर ने, 1 2 3 तीजे अक्षर ते आउंदा तां नीचे 3 जीरो आ, 1 2 3, तो बड़ा ही सिंपल जिहा क्वेश्चन सी, ये 9/1000 इसका आंसर आ जाएगा। सब तो छोटी संख्या केड़ी है, इस दे लई असी 5/16 नूं पॉइंटां दे विच कढांगे, हर चीज़ नूं पॉइंट दे विच असी सॉल्व कर लेवांगे ताकि सानू पता लग सके। जिवें 5/16 नूं जदों पॉइंटां च कढांगे तां 0.93 आएगा, इस नूं पॉइंटां दे विच कढांगे तां 0.95 बनता है, इस नूं पॉइंट दे विच जदों कढांगे तां साडे कोल 0.96 आउंदा है, इस नूं पॉइंट दे विच कढांगे तां साडे कोल 0.97 आउंदा है। तो उन्होंने सब तो छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या ये वाली है, तो साडा आंसर आ जाएगा 15/16। नैक्सट क्वेश्चन 2/5 दे नेड़ली संख्या केड़ी है, तो 2/5 नूं जे असी पॉइंटां दे विच कढ़ीए 2/5 तां आएगा 0.5 हुंदा है, 0.4, यानी इहदे विचों 0.4 किहड़ा बणाउंदा है, तां इह कल्ले कल्ले नूं असी डिवाइड करके देखांगे। सब तो पहला 4/5 0.8 बनावेगा, ये नहीं है 0 दे करीब, 0.4 दे करीब। फिर अगला देखदे आं ऑप्शन, ये बनाएगा 0.42, नैक्सट ऑप्शन बना रही है 0.40002, अगली ऑप्शन डिवाइड करके दे रही है 0.40002, तो सब तो करीब ये जा रहा, तो साडा इत्थे सही आंसर आएगा ए वाला, क्योंकि सब तो नेड़े, क्योंकि इत्थे 3 जीरो दा 2 आ, बट इत्थे 4 जीरो, यानी होर ज़्यादा 4 दे वह करीब जा रहा है, तो यह साडा सही जवाब है। नैक्सट क्वेश्चन इस दे विच की है, 18 × 18 दो बार नोट करांगे क्योंकि पावर 2 है, 4 × 4 लिखांगे, गुणा 455/19, इस नूं गुणा विच लिख के उल्टा देवो, 799 उपर आ जाएगा, 61 नीचे आ जाएगा। हुण सिंपल इस नूं कैलकुलेट करांगे असी डिवाइड करके, जिवें इस नूं 9 ते करता, कटिंग करवा दो पहलां, सिंपल बनाउण लई इह 9 ते गया, इह 2 ते गया, इस तो बाद अगे कटिंग यदि नहीं हो पा रही, 9 × 9 = 81 हुंदा है, बटा 2 × 2 = 4 हुंदा है, बराबर आ गया साडा 455/19, 799/61। तो हुण असी इस दी कटिंग करवावांगे, जे असी इस नूं डिवाइड करके देखिए तां साडे कोले तकरीबन इह 486/13 दे करीब जाएगा, जिसनों असी हल करके 6350 लिख सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 6350। नैक्सट क्वेश्चन ये तोड़ा ये मान लो कि यह ए है, ये तोड़ा बी है, क्योंकि a³ + b³ + 3ab लिखा हुआ है, तो a³ + b³ + 3ab a+b बराबर हुंदा है a+b का होल क्यूब।
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਰ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਰਿਆ ਯਾਨੀ 98.02 ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 8 ਤੇ 2 10 ਹਾਸਲ ਹੈਗਾ 1 10 ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 1 ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 0 ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 0 ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਏ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 75.8 ਮਾਈਨਸ 55.8 ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75.8 ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਉ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 20 ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 20 ਗੁਣਾ 131.6 ਬਟਾ 20 20 ਨਾਲ 20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 131.6 ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਧੰਨਵਾਦ